हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटी साइंस गुरुजी। मैं आज आपको क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई हो चाहे अदर स्टेट ऑफ बोर्ड हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे पास फिजिक्स में 10 यूनिट होती है, और जो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो स्टार्टिंग की जो हमारे पास चार यूनिट है, उनके सबसे पहले जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मीडियम, व्हाट इज इट्स यूनिट। आपको क्या जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिफाइन करना है, और उसकी ऐसा यूनिट जो यूनिट होती है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट इट्स ऐसा यूनिट। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसको डिफाइन करना है, और उसकी ऐसा यूनिट है। इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर इसमें जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो ही पूछी जाती है, और इसमें से एक नंबर के आने के पूरे चांस होते हैं कि आपके दो या तीन क्वेश्चन एक नंबर के आए यहाँ से। डिफाइन नेक्स्ट है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स ऐसा यूनिट। फिर हमारे पास स्टेट गौसला। अब ये जो हमारे पास गौसला है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए आप जो गौसला है इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आपसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है, इनडायरेक्ट रूप से पूछता है, मतलब कहने का ये है। नेक्स्ट है, स्टेट कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी पे हमारे पास कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और जो नेक्स्ट है, यूज गौसला टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। मैंने कहा था आपको कि गौसला के ऊपर इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछता है, तो सेम वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर ऑन एसी एंड डीसी। जो मैं करा रहा हूँ ये पूरे थ्योरिटिकल बेस्ड है, लेकिन आपके पास कैपेसिटर और इंडक्टर पे काफ़ी जो हमारे पास कैपेसिटेंस है इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एडी करंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक नंबर में पक्का आ ही जाएगा ये। डिस्कस ब्रीफली एनी वन एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। जो एडी करंट है उसकी आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी है, ब्रीफली एप्लीकेशन देनी है। और नेक्स्ट है, ड्राइव द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेरिवेशन। आप इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसने मैथमेटिकल वे से पूछ लिया, ड्राइव द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेरिवेशन। नेक्स्ट पूछा हुआ है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये काफ़ी बार पूछा हुआ है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आप रिलेशन बताइए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म लोरेंज फोर्स एंड इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन। और इसी का पार्ट है, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड। सोलेनोइड के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है टेंथ, डिफाइन द टर्म टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रजिस्टिविटी आपको डिफाइन करनी है। और नेक्स्ट पूछा हुआ है, ड्राई ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ कॉपर। आपको ऐसा ग्राफ शो करना है जो वेरिएशन दिखाए किसके बीच में, रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। और कैसी मेटल होनी चाहिए हमारे पास, कॉपर मेटल का वेरिएशन दिखाए, ऐसा ग्राफ आपको शो करना है। नेक्स्ट है, स्टेट विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। फ्रेंड्स, इसके ऊपर ना क्वेश्चन हर बार आता है कि आप मीटर ब्रिज का या प्रिंसिपल या इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल बेस छोटा क्वेश्चन होता है वो पूछ लेता है, या फिर इसका जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, आप मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल बताइए। नेक्स्ट है, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का आप यहाँ पे मीटर ब्रिज, इसमें मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और जो भी और हमारे पास सर्किट डायग्राम होते हैं उनके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ड्राइव सर्किट डायग्राम टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, ड्राइव द फॉर्मूला यूज्ड। इसका आपको सर्किट डायग्राम करना है और उसमें कंपेयर करना है कि इसमें ईएमएफ ऑफ
ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, और उसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। विच मटेरियल इज यूज फॉर पोटेंशियोमीटर वायर एंड वाई, पोटेंशियोमीटर की जो वायर होती है उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है और वो क्यों किया जाता है। स्टेट किरचॉफ लॉ इसके ऊपर पक्का आपके पास अब की बार न्यूमेरिकल मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिला तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल पक्का आएगा। और पोटेंशियोमीटर के ऊपर तो हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे वो एक नंबर में आए चाहे वो पांच नंबर में आए, और यहाँ से हमारे पास बड़े क्वेश्चन पक्का बनते हैं कि आप पोटेंशियोमीटर का आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, उसमें वर्किंग प्रिंसिपल डायग्राम और कोई छोटा फॉर्मूला बेस पूछ लेगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, ड्राई सिस्टमेटिक स्केच ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन पे हर साल क्वेश्चन आता है, सच बताऊं ना यहां से आपको हर साल ही क्वेश्चन आता है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी। जैसे साइक्लोट्रॉन हुए, गैल्वेनोमीटर हुए, एसी जनरेटर हुए, मैग्नेटिक फ्लक्स, एलसीआर सर्किट, यहां से आपको हर साल क्वेश्चन आते हैं यार। देखो, ड्राई सिस्टमेटिक स्केच ऑफ ए साइक्लोट्रॉन, स्टेट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, डिस्क्राइब हाउ ब्रीफली हाउ इट इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, कि ये चार्ज पार्टिकल को कैसे एक्सेलरेट करता है। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बताओ और उसका एक अच्छा सा स्केच डायग्राम बनाओ। आप याद रखना फिजिक्स में जहां पे मतलब कि जहाँ पे आपको ऐसा कोई क्वेश्चन हो एक्सप्लेन मांगा हुआ है, लेकिन अगर वहाँ पे डायग्राम बन रहा है या फिर ग्राफ बन रहा है, तो आप ये दोनों चीज़ें ही वहाँ पे अच्छे से, जो हमारे पास आंसर शीट होती है उसमें अच्छे से करके आना आप दोनों के दोनों। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। जो हमारे पास मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है उसका डायग्राम, उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग, सभी चीजें आपको याद करनी है, रट्टा मार लो यार आप सच बताऊं तो, क्योंकि ये पेपर में पक्का आएंगे। स्टेट एम्फियर सर्क्यूटल लॉ, और नेक्स्ट है स्टेट बायोट सेवर्ट लॉ गिविंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट, ये एक या दो नंबर में पक्का आता है। डिफाइन द टर्म इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, अगर ये क्वेश्चन में नहीं आएगा ना तो आपको आपके ऊपर एलसीआर सर्किट को आप अच्छे से याद करके जाना, एलसीआर सर्किट के ऊपर आपको पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा। ड्राइव ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट यूजिंग फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम को भी आप एक बार मतलब कि देख लेना। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर एंड स्टेप अप ट्रांसफॉर्म, ये मतलब कि इसने दोनों ही प्रिंसिपल पूछ लिए कि आप एसी जनरेटर का भी बताओ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का भी, और दोनों का ही डायग्राम पूछ लिया। तो आप एसी जनरेटर भी अच्छे से तैयार करना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भी। एक्सप्लेन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों की दोनों डेफिनेशन ही पूछ ली इसने, मैग्नेटिक फ्लक्स भी और म्यूचुअल इंडक्शन भी। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए है ना, ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 5 से 7 साल में रिपीटेड क्वेश्चन कराए मैंने, जो हर साल किसी ना किसी मतलब चाहे घुमा के पूछे, ट्विस्ट करके पूछे, आपसे पूछा हुआ इन सभी पे क्वेश्चन। जो भी मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं स्टार्टिंग की 4 यूनिट में, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपको जो मैंने कराए हैं एज इट इज मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने जो भी कराए हैं ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो रिपीटेड क्वेश्चन ही कराए हैं। तो आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए यार और लाइक कीजिए। थैंक यू।